लाइव मैच में खतरनाक सांप को देख बैट बल्ला छोड़कर भागे खिलाड़ी, मैदान में मची जमकर भगदड़। दोस्तों, श्रीलंका में इस समय लंका प्रीमियर लीग खेली जा रही है। बता दें कि लीग की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है। इसी बीच आज लीग का दूसरा मैच खेला गया। इसी बीच लंका प्रीमियर लीग एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक तरफ जब मैच चल रहा था तो मैदान में एक सांप घुस आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया हो रहा है। दोस्तों, दरअसल लंका प्रीमियर लीग सोमवार 31 जुलाई को लीग का दूसरा मैच गोल टाइटंस और दाम्बुला ओरा के बीच खेला गया। इस दौरान मैच के बीच में एक अप्रत्याशित घटना देखने को मिली। खेले जा रहे मैच में अचानक मैदान में एक सांप घुस आया, जिसके कारण मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अब इस मैच से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया हो रहे हैं। वायरल वीडियो नीचे देखा जा सकता है। दोस्तों, बता दे कि यह घटना दूसरी पारी शुरू होने के कुछ देर बाद ही घटी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दाम्बुला ओरा की पारी चल रही है। इस दौरान कुशल परेरा और धनंजय डी सिल्वा बल्लेबाजी कर रहे हैं। तभी मैदान के एक हिस्से में बाउंड्री से एक सांप निकाला गया। इस सांप की तस्वीरें और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि यह काफी बड़ा और खतरनाक है। जैसे ही मैदान में सांप नजर आया तो खिलाड़ी भाग खड़े हुए। ग्राउंड स्टाफ तुरंत सतर्क हो गया और सांप को सीमा रेखा की ओर खदेड़ दिया। दोस्तों, इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग खेले जा रहे गोल टाइटंस और दाम्बुला ओरा के बीच खेले गए मैच की बात करें तो गोल टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। टीम के लिए दासुन शनाका 42 और भानुका राजपक्षे 48 ने सबसे ज्यादा रन बनाए। साथ ही इस मैच में दासुन शनाका ने गेंदबाजी में भी शानदार खेल दिखाया। इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और इस दौरान सिर्फ 19 रन दिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।